कार का परिचय। चलो जानते हैं कार के बाहरी पुर्जे। हेडलाइट। कार के आगे के हिस्से में लगी हुई ये लाइट अंधेरे में रास्ता दिखाती है। हेडलाइट में अपर और डिपर लाइट होती है। अपर लाइट की रोशनी में दूर तक नजर आता है और डिपर लाइट की रोशनी में करीब का रास्ता दिखाई देता है। रात में ओवरटेक करते समय या आगे से आने वालों को सतर्क करने के लिए अपर और डिपर लाइट इस्तेमाल करते हैं। साइड इंडिकेटर गाड़ी के आगे के हिस्से और पिछले हिस्से में भी होते हैं। ये लाइट्स ऑरेंज कलर के होते हैं। साइड इंडिकेटर आगे पीछे लोगों को दाएं बाएं मुड़ने की जानकारी देकर सतर्क करते हैं। टेल लाइट। टेल यानी पूंछ। गाड़ी के पीछे वाली लाइट्स को टेल लाइट कहते हैं। टेल लाइट में ब्रेक लाइट, रिवर्स लाइट और साइड इंडिकेटर होते हैं। ब्रेक लाइट। ब्रेक दबाने पर ये लाइट जलती है और पीछे की गाड़ी को सावधान करती है। रिवर्स लाइट गाड़ी को पीछे लेते समय लोगों को सतर्क करती है। लोगो। गाड़ी कौन सी कंपनी की है ये हमें गाड़ी के लोगो से पता चलता है। उदाहरण, टी मतलब टाटा, एच मतलब ह्यूंडई, एस मतलब सुजुकी। बम्पर। बम्पर ये गाड़ी के आगे के हिस्से का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक्सीडेंट के समय बम्पर गाड़ी को ज्यादा नुकसान से बचाता है। रियर बम्पर। रियर मतलब पीछे। रियर बम्पर ये गाड़ी के पीछे हिस्से में होता है। गाड़ी को अगर पीछे से टक्कर लगे तो ये बम्पर धक्का सहन कर लेता है और उसकी वजह से गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। व्हीकल रजिस्ट्रेशन या आइडेंटिफिकेशन प्लेट, ये प्लेट गाड़ी की पहचान बताता है। यह प्लेट गाड़ी के आगे और पीछे होती है। चलो देखें ये नंबर क्या बताते हैं। शुरू के दो अंग्रेजी अक्षर गाड़ी कौन से राज्य से है यह बताते हैं। उसके बाद के दो अंक राज्य के जिले का कोड होता है। अंत के चार नंबर गाड़ी का नंबर होता है। वाहन संख्या ज्यादा होने पर ये नंबर पर्याप्त नहीं होते, इसलिए इनके आगे अंग्रेजी अल्फाबेट जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए MH12FQ3960। MH मतलब महाराष्ट्र, 12 यह पुणे जिले का कोड है और FQ3960 ये गाड़ी का नंबर है। बोनेट। ये गाड़ी का बोनेट है। इसमें इंजन और अलग अलग भागों की असेंबली होती है। साइड मिरर। गाड़ी के दोनों बाजू में साइड मिरर होते हैं। साइड मिरर से गाड़ी के पीछे का दृश्य दिखाई देता है। विंडस्क्रीन। विंडस्क्रीन मतलब गाड़ी के आगे वाला कांच। वाइपर विंडस्क्रीन गाड़ी के सामने वाला कांच यानी विंडस्क्रीन कांच को साफ रखने के लिए वाइपर का इस्तेमाल करते हैं। रियर विंडस्क्रीन गाड़ी के पीछे वाली कांच को रियर विंडस्क्रीन कहते हैं। फ्रंट डोर ड्राइवर और को ड्राइवर सीट के दरवाजे को फ्रंट डोर कहते हैं। इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच में चाबी घुमाकर गाड़ी स्टार्ट की जाती है। ए बी सी यानी एक्सेलरेटर, ब्रेक, क्लच। एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर गाड़ी की गति यानी स्पीड कम ज्यादा करने के लिए काम आता है। ब्रेक। ब्रेक गाड़ी को रोकने के लिए या गाड़ी की गति को नियंत्रण में लाने में काम आता है। क्लच। क्लच इंजन और गियरबॉक्स के बीच में होता है। गियर बदलते समय ये इंजन की पावर यानी शक्ति जोड़ने और तोड़ने के लिए काम आता है। क्वार्टर पैनल। क्वार्टर पैनल ये गाड़ी के पीछे वाले दरवाजे और डिकी के बीच में बिठाया जाता है।
फिल कैप। फिल मतलब भरना। जिस हिस्से से गाड़ी के अंदर पेट्रोल या डीजल भरते हैं उसके ढक्कन को फिल कैप कहते हैं। मड फ्लैप, गाड़ी को कीचड़ से बचाने के लिए मड फ्लैप का उपयोग होता है। एग्जॉस्ट पाइप, एग्जॉस्ट पाइप इंजन के अंदर ईंधन जलने पर निर्माण होने वाले धुएं को एग्जॉस्ट कहते हैं। उसे बाहर फेंकने के लिए एग्जॉस्ट पाइप का इस्तेमाल होता है। टायर, टायर पर पूरे गाड़ी का भार होता है। टायर के घूमने पर ही गाड़ी को गति मिलती है।